ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत के धुरंधरों ने एक बार फिर विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे T20 मैच में उपकप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने धमाल मचा दिया। ऋतुराज ने जहां अपनी पहली T20 सेंचुरी जमाई, तो वहीं वनडे में विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की हालत देखने लायक थी। ऋतुराज की ये पारी तब आई जब टीम इंडिया को शुरुआती झटके लग चुके थे। टीम इंडिया के ओपनर यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव आउट हो चुके थे। ऐसे में एक छोर ऋतुराज ने संभाले रखा। ऋतुराज ने अपनी पारी की शुरुआत तो धीमी की थी, लेकिन जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स पर अटैक करना शुरू किया तो वो बगले झांकते नजर आए। ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी इस शतकीय पारी में 13 चौके और 7 ताबड़तोड़ छक्के जमाए। खास बात यह रही कि उन्होंने तिलक वर्मा के साथ मिलकर एक बड़ी साझेदारी भी की और इन दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। ऋतुराज ने अपनी सेंचुरी महज 52 गेंद में पूरी कर ली। उन्होंने T20 इंटरनेशनल में अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया। ऋतुराज ने अपनी पारी में कुल 57 गेंद खेलकर 123 रन ठोक डाले और ऋतुराज की इस पारी की बदौलत भारत ने 3 विकेट खोकर 222 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर लिया। तो ऋतुराज की इस पारी के बारे में और इस युवा खिलाड़ी के बारे में आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट जरूर करिएगा।